मुंबई में हैवानियत, आइसक्रीम का लालच दे 9 साल की बच्ची को ले गया घर, फिर चाकू की नोक पर किया रेप, वीडियो भी बनाया। हीरा रोड मर्डर केस के बाद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से एक और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 9 साल की बच्ची का उसके पड़ोसी ने चाकू की नोक पर रेप किया है। मीरा रोड मर्डर केस के बाद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से एक और खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां पर एक 9 साल की बच्ची से चाकू की नोक पर रेप किया गया है। बलात्कार करने के आरोप में 30 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग का रिश्तेदार आरोपी उसे आइसक्रीम का लालच देकर अपने घर ले गया। इसके बाद उसने चाकू की नोक पर अपने घर में उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया। बच्ची से दुराचार करने के बाद आरोपी ने उसे नहलाया। आरोपी ने पूरी करतूत रिकॉर्ड भी कर ली और घटना के बारे में किसी को बताने पर रिश्तेदारों को वीडियो भेजने की धमकी दी। पुलिस के मुताबिक बच्ची अपने परिवार के साथ रहती है और आरोपी उसी के पड़ोस में रहता है। शुक्रवार रात करीब 9 बजे आरोपी ने बच्ची को आइसक्रीम का लालच दिया और अपने साथ अपने घर चलने को कहा। जैसा कि वो उसे पहले से जानती थी, वो उसके साथ चली गई। घटना के बारे में बताते हुए एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि अपने घर पहुंचने पर आरोपी ने बच्ची की गर्दन पर चाकू रख दिया। उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और इस हरकत को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। बाद में उसे नहलाया और फिर से उसका वीडियो बनाया। अधिकारी ने कहा कि इसके बाद उसने इस वीडियो को गांव में उसके रिश्तेदारों को भेजने और किसी को बताने पर उसे बदनाम करने की धमकी दी। घटना के बाद बच्ची सीधे अपने घर गई और आप भी थी अपने माता पिता को बताई। इसके बाद माता पिता ने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस ने कहा कि उसे कोई शारीरिक चोट नहीं आई। शनिवार को पुलिस की एक टीम आरोपी के घर गई, वहां उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर आईपीसी की धारा 376A, 376B, 376, 354, 506 ब्रैकेट 2 बलात्कार और यौन उत्पीड़न से संबंधित 4, 6, 8 यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम सूचना प्रौद्योगिकी की 66B के तहत मामला दर्ज किया गया है।